सो हाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक शिक्षण। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो मेरे को एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिव्यू करने के लिए भेजी है। मतलब उसको एक पीसी मिल रहा था, जो उस जैसे आप OLX वगैरह का भी आपने सर्व करा होगा तो उसमें आपको दिख जाएंगे बहुत सारे प्री बिल्ड पीसी, बहुत सारे सेलर्स बेचते रहते हैं। तो उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा और पूछा कि इस पीसी में हम पबजी खेल सकते हैं, तो कैसा चलेगा उसमें पबजी। तो पीसी का जो प्राइस है वो आप देख सकते हो, 8500 इन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इस पीसी का जो ऊपर लिखा हुआ सबसे मेन चीज़ रेड कोट में दिखा रखा आपको, वो है गेमिंग मशीन। तो लेट्स चेक कि गेमिंग मशीन है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो देख के लगता नहीं, और आगे बेंचमार्क भी है वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस, बात कर लेते हैं इस पीसी के स्पेसिफिकेशंस की। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वो है AMD A8 6500 10 कोर प्रोसेसर। तो गाइस बात कर लें इसकी स्पेसिफिकेशंस की प्रोसेसर की, तो एक क्वाड कोर प्रोसेसर मतलब 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और इसका जो सॉकेट है वो FM2, जो बहुत ही पुराना सॉकेट है। तो गाइस आप ये गलत परसेप्शन लेके मत चलना कि आप इसमें AMD के नए वाले राइजन प्रोसेसर भी लगा सकते हो, उनमें आपका सॉकेट अलग है और ये सॉकेट पुराना है, ये मैच नहीं होंगे। मतलब आपके राइजन प्रोसेसर इस मदरबोर्ड पर नहीं लगेंगे, तो आपको देख के चलना है। और सामने आपको इसमें 4 MB कैश मेमोरी मिल जाएगी और 32 नैनोमीटर पे बेस्ड है। मैक्स जो इसका टेम्परेचर हुआ है 71 डिग्री के आसपास, और ये ओवरक्लॉकेबल है। मतलब कुछ लोग इसे ओवरक्लॉक कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सर्च करा तो मुझे वहाँ पे दिखाई चीज़। और गाइस बात कर लेते हैं इसमें जो इंटीग्रेटेड आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, क्योंकि आपको जैसे बताया मैंने कि ये एक APU है, और APU में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें आपको दिया है AMD का Radeon HD 8570D, जो डी सीरीज़ होती थी ये सारी APU में यूज़ होती थी। इसकी बेंचमार्किंग आपको आगे दिख जाएगी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करना, पूरी देखना। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा मदरबोर्ड, और जो मदरबोर्ड ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा A78M मदरबोर्ड, जो AMD का पुराने सॉकेट्स को सपोर्ट करता है। जैसे आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये करंटली अनअवेलेबल है, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मिलना, क्योंकि काफ़ी पुराने मदरबोर्ड है और बहुत कम लोग ही इसे बाय करते थे। उसी में ये बंदा जो हमें बेच रहा है सेलर, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है यही वाला मदरबोर्ड, पता नहीं इसे कहाँ से मिला होगा मदरबोर्ड। थर्ड चीज़ है वो हमारे रैम, जिसमें 4 GB की रैम आपको प्रोवाइड कर रहा है सेलर खुद से, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि उसने कितने मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। और जो मैंने बंदे से ही पूछा उसको भी नहीं पता था कितनी GB इसमें, मतलब कितनी मेगाहर्ट्ज़ की इसमें रैम दे रहा है वो। और इसमें जो आपको हार्ड डिस्क है वो 500 GB की, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क हुई, कोई SSD आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो मतलब आपका बूट टाइम वही स्लो वाला होने वाला है। और 1 मंथ की वारंटी, मतलब ये सेकेंड हैंड पार्ट्स ही होंगे मेरे को जहाँ तक लगता है, नए पार्ट्स तो कोई यूज़ करने वाला है नहीं, तो ये 1 मंथ की वारंटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिसमें बाकी आपको पीसी पूरा कंप्लीट है, आप देख सकते हो सामने को कैबिनेट भी देखने को मिला है। मुझे ये नहीं पता यही कैबिनेट आपको मिलने वाला है या दूसरा, पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें लिख रहा है ऊपर कैबिनेट का नाम Lenovo ThinkCentre M79 Tower। मुझे नहीं पता ये कौन सी कैबिनेट है, मैंने सर्च करा तो मुझे कोई कैबिनेट नहीं मिली ऑनलाइन, बाकी इनकी कोई जेनरिक कैबिनेट हो सकती है। तो बस ये थी पीसी की स्पेक्स। और ये पीसी आपको अगर आप ऑनलाइन खुद ढूंढो तो आपको बहुत ही मुश्किल है ये वाले सारी चीज़ कंपोनेंट्स मिलना साथ में, मतलब ये प्रोसेसर और ये मदरबोर्ड। तो क्योंकि इस बेंचमार्क के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे को कोई ऐसा पीसी मेरे पास खुद का नहीं है, तो मैं इसका परफेक्ट बेंचमार्क नहीं दिखा पाया, बट मैंने कहीं से ऑनलाइन से काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस को सर्च करने के बाद इसके जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको थोड़ा सर्च करके, और इसके एक नीचे वाला प्रोसेसर का मतलब A8 का नीचे वाला वर्जन जो है वो यूज़ करके मैंने एक बेल्ट जो मैंने उसके बेंचमार्क को इस वीडियो के अंदर दिखाया है। तो अगर आपको उनकी पूरी वीडियो देखनी है वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेंचमार्किंग को, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं। You don't know.
तो गाइस बेंचमार्क देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पीसी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो प्राइस के हिसाब से ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये पीसी अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, और इसमें जो नीचे लिखा हुआ बेस्ट फॉर पबजी वो भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। मतलब आपको पीसी अगर गेम खेलना है पबजी मोबाइल या फ्री फायर, क्योंकि मैंने वीडियो में फ्री फायर दिखाई क्योंकि पबजी मोबाइल बैंड है अभी, तो वो आप इसमें नहीं खेल सकते ढंग से। आपको 30 FPS या 35 और स्टटर तो कंटिन्यूस मिलने वाला है। तो इससे अच्छा आप एक कोई दूसरा मेरा चैनल पे पीसी बिल्ड देख सकते हो, वहाँ से आप उसे पीसी बिल्ड करोगे तो बहुत आराम से पबजी खेल पाओगे और फ्री फायर तो आप खेल ही पाओगे। जैसे मैंने इसमें भी दिखाया, इसमें फ्री फायर खेल सकते हो बट वही आप ई स्पोर्ट्स लेवल या अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करके, मतलब आपके सामने वाले के FPS आपसे ज़्यादा होंगे तो आपको आराम से मार ही देगा। सो गाइस यही थी वीडियो, होप करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कैसे अगर कोई भी आपको कोई भी डाउट है किसी पीसी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस लाइक कर दी वीडियो को, सब्सक्राइब कर चैनल को और घंटी के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरे लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।